हम हास्य व्यंग कवियों के साथ बहुत बड़ी ट्रेजिडी है। ट्रेजिडी ये है कि हमको कोई सीरियसली लेता नहीं, कई बार छोटे बच्चे निपटा जाते हैं। एक आ गया, बोला कवि हो? मैंने कहा हूं। बोला कविता लिखते हो? मैंने कहा हाँ। बोला आपके पिताजी लिखते थे क्या? मैंने कहा हाँ लिखते थे। बोला उनके पिताजी लिखते थे? मैंने कहा हाँ लिखते थे। बोला उनके? मैंने कहा लिखते तो थे, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? अब बच्चे ने जो जवाब दिया है साहब, सुन के आनंद ना आ जाए तो बताना। मैंने कहा लिखते तो थे, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? उसने कहा बस ऐसे ही पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बेवकूफी की जड़ शुरू कहां से हुई। अब क्या था साहब, बेइज्जती सी हो गई, बदला भी लेना था। मैंने उस बच्चे को एक तरफ बुलाया, मैंने कहा बेटा एक बात बता, अगर तेरे पिताजी हाथी होते तो तू क्या होता? उसने कहा जी तब मैं छोटा हाथी होता। मैं कहा अगर वो घोड़ा होते तो? बोला तब छोटा घोड़ा होता। मैंने कहा अगर वो गधे उल्लू इनमें से कोई होते तो तुम क्या होते? मैं ये सोच रहा था बालक जवाब देगा, मेरी बेइज्जती का बदला निकलेगा, कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। लेकिन सर वो बच्चा सन 2000 के बाद वाला था, ये बच्चे तो उसके बाद ही आए हैं, उससे पहले ही पैदा हुए हैं, उसके बाद तो डायरेक्ट पिताजी ने ही अवतार लिया है। फिर भी मैंने उससे पूछा हाँ बताओ अगर वो गधे उल्लू इनमें से कोई होते तो? ऊपर से नीचे तक घूर के मुझे देखता है, बोलता है फिर तो तुम्हारे जैसा हास्य का कोई कवि होता। रहा नहीं जाता है साहब। खैर चलिए, मैं क्या देखो ईमानदारी की बात है, मैं प्रैक्टिकल कवि हूं, मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूं, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जो असंभव हो, जैसे ये करते हैं। तुम मेरी सांसों में घुल गई हो, यार समझ में नहीं आता लड़की अगर बत्ती का धुआं। कुछ भी यार, हम बड़े देशभक्त हैं, हम कफन बांध के चलते हैं, भाई के जेब में रुमाल नहीं निकलेगा। मैं सच बता रहा हूं, एक वो आया कह रहा था वो क्या कुछ गठरी का एहसास बोझ का। मैं कहा अभी नहीं, कुछ दिन रुक जाओ, शादी ब्याह एक बार हो लेने दो, उसके बाद तुम्हें गठरी के बोझ का एहसास होगा, आज नहीं होगा। खैर आइएगा, मैं कुछ एक पंक्तियों से आपको जोड़ता हूं साहब, और उसके बाद एक बढ़िया सी कविता आपके सामने रख के अपना स्थान लूंगा। अपने देश में एक बड़ा अच्छा त्योहार चलता है, उसको प्रेम चौदस का त्योहार कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हिंदी दिवस नजदीक है, हिंदी में बात करो। वैसे अगर प्रॉपर हिंदी में कहा जाए तो उसको वैलेंटाइन डे कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, कितने लोगों को पता है वैलेंटाइन डे? एक बार हाथ उठाना। नहीं मैं समझ गया, बुरी चीजें सबको पता होती है। अच्छा तो होता क्या है भाई, वैलेंटाइन डे सब मनाते हैं, मैं नहीं मनाता। अरे तो क्या मतलब पैदा ही शादीशुदा हुआ था? मैं भी स्कूल कॉलेज में रहा हूं भैया, ऐसी बात नहीं। एक बार कोशिश की थी, क्या हुआ सुनो, उसके बाद नहीं मनाता, उसके बाद मैं कविता सुनाऊंगा। एक बार प्रयास किया था, हुआ क्या तो आनंद लेना। देखो श्रृंगार इसको कहते हैं, सुनो। मुझे याद आता है कोई बड़े बड़े कवि की बात हो रही थी, हास्य का कवि था, जबरदस्ती उसको कहा गया तुम श्रृंगार सुनाओ। अब हास्य का कवि श्रृंगार क्या सुनाए? हास्य के कवि ने श्रृंगार लिखा, गोरी तुम्हारी आंखें सीप सी सुंदर हैं, गोरी तुम्हारी आंखें सीप सी सुंदर हैं, जी करता है फोड़कर मोती निकाल लो। वैलेंटाइन में क्या हुआ सुनो,
कोई बात नहीं भाई, सुन लो सुन लो, ये मेरे साथ हुआ है और अब मैं आश्वस्त हूं कि ये तुम्हारे साथ भी होगा। सुनो कि कॉलेज में एक अति सुंदर बाला को देख प्रेम ने जी ले ली अंगड़ाई मेरे मन में। कि कॉलेज में एक अति सुंदर बाला को देख प्रेम ने जी ले ली अंगड़ाई मेरे मन में। हर जगह वही दिखती थी मुझे रूप जैसे, बस गया था जी उसका मेरे नयन में। तो फूल देने गया ही था तभी देख लिया, फूल देने गया ही था तभी देख लिया उसके भाई ने जो था चौगुना मेरे वजन में। ऐसी सेवा की भाई ने के हृदय की प्रेम पीड़ा, पीड़ा का मतलब पता है दर्द। ऐसी सेवा की भाई ने के हृदय की प्रेम पीड़ा फैल चुकी है जी मेरे पूरे ही बदन में। लेकिन बात इतने पे खत्म हो जाती तो बात थी, कैसे कैसे धोया उसके भाई ने क्या बताऊं, दो का मुझको तो भैया चार दिखता है अब। और हीरो कहते थे मुझे कॉलेज में पहले, जो कहते हैं बेचारा लाचार दिखता है अब। और इश्कबाजी छोड़ी तब से ये वैलेंटाइन डे, फालतू फिजूल बेकार दिखता है अब। अंतिम पंक्ति में पता लगेगा मैं श्रृंगार क्यों नहीं लिखता। इश्कबाजी छोड़ी तब से ये वैलेंटाइन डे, फालतू फिजूल अब बेकार दिखता है अब। और जब भी ब्यूटीफुल कोई लड़की है दिखती तो सीधे सीधे राखी का त्योहार दिखता। वाह भाई, नुकसान मेरा खुशी इनको हो रही है। लेकिन आओ जी समय